तो हेलो गाइज, तो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज आप देख रहे हैं मैंने बैग टांग रखा, तो जरा सी बात है कि बैग टांग रखा तो मैं कहीं जा रहा हूँ। तो आज मैं अपने भैया की बारात में जा रहा हूँ। अब हम यहाँ से दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, जिसमें आपको हम यहाँ से जाने की पूरी जर्नी दिखाएंगे कि हम कितने मजे ले रहे हैं, क्या हो रहा है और वहाँ राजस्थान में कैसे कैसे फंक्शन होंगे, ये सब आपको दिखाने वाले। तो गाइज अब सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैं सुबह 5 बजे ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आपने जिस तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट किया, प्लीज़ इस वीडियो को भी इतना सपोर्ट करें। तो गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बस में बैठ चुका हूँ। तो अब हम बस में बैठ चुके हैं और अभी आधे लोग आए हैं, आधे रह चुके हैं। जैसे बस भरती है तो बस चलने लग जाएगी और फिर हम आपको पूरे बस के मज़े दिखाएंगे कि हम कैसे मज़े करते हुए जा रहे हैं और वहाँ कैसे कैसे फंक्शन होंगे राजस्थान के, हम आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को पूरा सपोर्ट देना गाइस। अभी करंटली हम नीचे इसलिए उतरे क्योंकि हमारे जो बस है उसके ड्राइवर है ना, वो CNG भरवा रहा है। तो जैसे CNG भर जाती है हम आगे सफ़र को कंटिन्यू करते हो और आपको ब्लॉग दिखाते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग पे, तो मिलते हैं बस 2-4 मिनट में। तो है गाइज, अभी हम उठ रुके हैं होटल पे, अब यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे और फिर यहाँ इससे आगे जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। गाइस फाइनली अब हमने खाना खा लिया है। तो अब हम यहाँ से खाना खाने के बाद अब बस में बैठ रहे हैं, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे मैं आपको तो है गाइस, अब हम यहाँ पर रुक बैठे हैं, यानी कि दोबारा हमारी बस रुकी है क्योंकि अब हम जो है ना जिस जगह में जाना है, जिस गांव में जाना है, वो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है और उस वहाँ पर जाने का टाइम है। तो हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स होंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें 15 मिनट होने हैं, 15 मिनट और रुकेंगे फिर हम आगे जाएंगे गाइस। ठीक है,
अब हमने आराम कर लिया है तो हमारे जाने का समय आ गया है। बस अब हम निकलने वाले हैं, बस में बैठ रहे हैं और मैं भी बस में बैठने वाला हूँ। तो गाइस अब यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है वो जहाँ पर हमें जाना है जगह, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की लोकेशन। ये बंदर है यहाँ के, देखो ये 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 एक ऊपर है, इसको इसके पास जाएंगे सारे। ये चढ़ गया ऊपर, ये दूर, ये इसका एक और साथी आया, ये सारे ऊपर चढ़ेंगे। ये एक और आया, अभी कितने सारे हैं ये, अरे एक और आया, तो बहुत सारे हैं भाई कसम से गाइस, बहुत सारे हैं देखो। तो गाइस इनसे तो बात हो गई, चलो आगे। Later. निकाह होती है बेबी के पड़े में, वो बेदा होते हैं कंकाल की हड्डी, कंकाल की हड्डी या तो कंकाल बोले हड्डी, दोनों एक ही चीज होते हैं। चलो 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 भाई लग जाओ काम पर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कर लो ते, लो मैं बनाऊं। हाँ भाई ले, रोड पे जाएंगे ना, जब रोक दियो dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. तो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं बारात वाले घर, यानी कि जहाँ पर बाराती लोग रुकते हैं। तो अभी भी हम बस से उतरे हैं और जस्ट प्रॉब्लम बैग वगैरह रखे हैं। अब मैं जाऊँगा आराम वगैरह करूँगा एक आधे घंटे, फिर नहाऊँगा एंड फिर तैयार वगैरह होंगे, फिर रात को होगा फंक्शन स्टार्ट। तो आए हैं बहुत ज़्यादा थक रहे हैं बेटा, मैं पागल है ना, पहचान लो पागला की पहचान है वो ना, मैं घड़ा सो मैं तो पहचान करूँ ना पागला की, तो कौन पागल तू, वो मैंने पहचान है तेरी, पागल तो तू है ना, मैं खड़ा हूँ पागल, तू पागल 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 होता है। तो भाई जिसको देखो ये पागल है, ये तो सबसे बड़ा पागल है, पागल पागल महापागल, उनको सब पता है कौन पागल है कौन दिमागदार है। ये पागल है ना, तेरे बोलने से थोड़े ना पागल बन जाऊंगा। कमेंट में बताना, कमेंट में बता देना कि कौन पागल है। तो हाँ पागल है, मैं ये कह रहा था अब हम बारात वाले घर में आ गए जहाँ पर बरातियों का स्वागत हो गया, जहाँ बराती रुकते हैं। तो यहाँ रुके, यहाँ से जैसे रात का फंक्शन स्टार्ट होता है वो रात वगैरह खत्म वगैरह सब कुछ करता हूँ, ठीक है गाइस। अब आराम कर लेते हैं, मिलते हैं रात को।
तो है गाइस अब हम तैयार हो गए हैं, पर सब लोग आ गए हैं, जितने भी सब रेडी वगैरह हो गया है, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होने का जो भी है टाइम हो गया है, चालू है फास्ट फूड वगैरह चालू है। तो मेरे राइट साइड में फास्ट फूड वगैरह चालू हो चुका है, वहाँ पर पब्लिक फास्ट फूड चाउमीन बर्गर टिक्की वगैरह खा रहे हैं और इधर सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पूरे गार्डन का और जिधर फास्ट फूड चल रहा है उसका भी, ठीक है। गाइस अभी आपने सबने देखा नाश्ता जो कर रहे थे लोग बाग को देख लिया आपने, और अब नाइट हो चुकी है, रात हो चुकी है, तो मैं आपके साथ में आपको दिखाता हूँ खाने की टेबल वगैरह भी लग चुकी है, सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप सभी ने देखा तो सब लोग तैयार होकर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, अब हम जा रहे भैया को लेने, वो तैयार हो चुके हैं तो उनको लेके आते हैं, उनकी एंट्री करवाते हैं हीरो टाइप की, तो चलो भैया को लेने जा रहे हैं, ओके देखते हैं आगे। तो है गाइस अभी आपने देखी भैया की एंट्री, भैया आए कितने अच्छे लग रहे थे, मैंने आपको उनकी एंट्री दिखाई, ठीक है। उनके साथ कौन कौन था, फूफा जी थे, चाचा थे, छोटे चाचा थे, बड़े चाचा थे। तो गाइस अब क्या है, निकासी का टाइम हो गया, यानी कि अब हाफिज जी मौलाना साहब आएंगे और फिर निकाह का टाइम हो गया, अब उन्हें निकाह पढ़ाई जाएगी। तो गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोमेंट होता है पूरी वेडिंग का, सबसे यही होता है पूरी शादी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोमेंट होता है फील करने वाले यही होता है, तो इस मोमेंट को एंजॉय करिए गाइस, फील करिए। इसके गवाह ने अव्वल है, इसके गवाह ने दूसरे हैं, और मनी साहब और वाले हैं।
कैसा लग रहा है आपको? निकाह देख ली, भी देख रखा है, उनको पता है कि हाँ भाई हमारे में कैसे निकाह होती है, कैसे मैरिज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ है जो मेरे सपोर्टर हैं और जो मेरे चैनल पे पब्लिक हैं, उनके लिए न्यू है, ठीक है। उसके होगा कि कैसे होती है, उसे आपने देखी होगी, आपको पता चला होगा कि हमारे कास्ट में कैसे काम होता है, कैसे निकासी होती है, तो वो चीज़ आपके लिए नई थी। तो गाइस देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता जो कि हम सब ने एक साथ देखा जिया। तो गाइस निकासी वगैरह हो गई है, अब क्या है ना, अब खाने का वो है, पूरा सिस्टम चालू हो गया। मैंने पहले आपको दिखाया था, बट अब क्या मैं आपको दिखा दूँ खाने का सिस्टम, कैसे लोग बैठे हैं, ठीक है, क्या क्या खा रहे हैं, सब कुछ, ठीक है गाइस। तो हे गाइस, अब लगभग सारा फंक्शन हो चुका है, मतलब कि निकाह वगैरह हो गया है, अब जाने का टाइम समय आ गया है। विदाई तो गाइस वो 4-5 बजे तक होती रहेगी, लेकिन जो हमारी गाड़ी है बस बरातियों की, वो रवाना होने का टाइम आ गया है, बस जो छोड़ दिया अब आ रही है, तो बुढ़ी उम्र में ही क्यों ये काम तो करता है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power.